तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो ऐसे तगड़े फोनों का जो कि भाई काफी हैवी रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फोन है ये है रियलमी की तरफ से, रियलमी का 12 प्रो 5G वाला फोन। और दूसरा जो फोन होने वाला है ये होने वाला है रेडमी की तरफ से, जो कि होने वाला है रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G वाला फोन। लेटेस्ट फोन रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्राइस है ना इसका 32,000 रुपये का, बट आफ्टर डिस्काउंट के बाद ये आपको काफ़ी कम में मिल जाएगा। मैंने तो 27,500 का खरीदा था। अगर आपको भी खरीदना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ से और कैसे खरीदना है। लेकिन ये जो वाला जो फोन है इसका एक्चुअल जो प्राइस है, ये जो बैरेंट है ना, ये है 8GB 128GB वाला, और ये 25,000 रुपये का प्राइस है, बट 2,000 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिला तो 23,000 रुपये का खरीदा। ये 8GB 256GB वाला बैरेंट है। और दोनों ही फोन में से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें सेम भी हैं, तो इसलिए भाई कंपैरिजन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। वीडियो को बस पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो गाइस यहां पर आप देख ही रहो, तो ये पहला जो फोन है ये हमारे पास रियलमी का 12 प्रो 5G वाला फोन, और दूसरा जो फोन है ये है रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G वाला फोन। और दोनों ही फोन का आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन, देखने वाले हैं कि दोनों ही फोन में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि प्राइस की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ना रियलमी का 12 प्रो जो 5G वाला फोन है, इसके प्राइस की बात करें तो 25,000 रुपये का इसका प्राइस है, बट मैंने डिस्काउंट पे खरीदा था, 23,000 रुपये का मुझे मिल गया था, जिसमें 8GB रैम और यानी कि 128GB स्टोरेज थी। इसके बाद जो हमारे पास रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G वाला फोन है, ये एक्चुअल में 32,000 रुपये का है, बट ये मैंने काफ़ी सस्ते में खरीदा था, 27,500 रुपये का। मैंने बताया भी था अनबॉक्सिंग वाली वीडियोज़ में कहाँ से खरीदे। आपको भी खरीदना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और ये 8GB रैम 256GB स्टोरेज में था, तो काफ़ी तगड़ा फोन रहने वाला है। तो आज हम दोनों का कंपैरिजन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन्स की। तो फोन आपको दोनों के दोनों कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे पास यानी जो रियलमी का 12 प्रो 5G वाला फोन, इसका जो लुक है, डिज़ाइन है, वो काफ़ी अलग लेवल का आपको देखने को मिल जाता है। बैक में आपको जो है लेदर वाली फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। यहाँ पर आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, बट ये जो चीज़ है ना, डिज़ाइन है भाई, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और कैमरे का सेटअप आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है जैसे कि आपको 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, बट इसमें आपको जो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। इसमें आपको जो मेन कैमरा मिलता है वो मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का, और डिज़ाइन काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलता है। वहीं रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G वाले फोन्स का जो इसका लुक है, डिज़ाइन है, काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन में भाई ये वाला फ़ोन आया। इसकी ब्रांडिंग देख सकते हो, रेडमी की अलग ही आपको देखने को मिल जाएगी, 5G का लोगो वगैरह मिल जाएगा, फ्लैश आपको थोड़ी सी अलग ही लेवल की जो है अलग ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें भी कैमरे का जो सेटअप है वो आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, लेकिन जो मेन कैमरा है वो मिलता है आपको इसमें 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। यानी कि कैमरे तो आपको डिफरेंस वगैरह है, एक में 50 का है, एक 200 का है, जो कि हम देखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस वगैरह कैमरों में रहने वाला है, क्योंकि प्राइस में भी भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो कैमरे के मामले में कैसे रहने वाला है, और डिज़ाइन आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि दोनों ही फोन्स में से कौन से फोन का जो लुक है, डिज़ाइन है, वो ज़्यादा बेटर फील आपको देखने को मिल रहा है। दोनों ही फोन्स में से अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखोगे तो सेम ही आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ऊपर की साइड में आपको कुछ सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, स्पीकर आपको दोनों के फोन में ऊपर की साइड में भी हैं और नीचे की साइड में भी स्पीकर है, यानी कि डुअल स्पीकर के साथ फ़ोन आते हैं। साउंड की क्वालिटी भी दोनों ही फोन्स में काफ़ी बेटर जो है रहने वाली है, और इसीलिए मैंने इनका कंपैरिजन करा है, जिसमें कुछ चीज़ें में सेम आपको देखने को मिल रही हैं और प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर स्पीकर है, नीचे चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है और सिम स्लॉट वगैरह मिल जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो दोनों ही फोन्स में से आपको मिल रही है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि बॉक्स के कंटेंट के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको रेडमी नोट 13 प्रो प्लस वाले फोन्स में से आपको मिलता है 120 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि ये जो चार्जर देख रहे हो फोन में आपको 5 मिनट की बैटरी दोनों ही फोन्स में से, बट ये आपको 0 to 100% 19 मिनट में आपको फुल करके दे देगा, 19 मिनट में 0 to 100% फोन को चार्ज कर देगा। लेकिन वहीं पर बात करी जाए जो आपको रियलमी 12 प्रो वाले 5G वाले फोन्स में ये चार्जर मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 67 वोल्ट का, और ये आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। तो डिफरेंस वगैरह देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्जर रहने वाला है, तो ये चीज़ें देख सकते हो। तो दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी केबल आपको देखने को मिल रहा है, तो सेम ही ब्रांडिंग वगैरह है, क्वालिटी भी सेम ही रहने वाली है, ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं है, बट यहाँ पर केस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। केस की क्वालिटी दोनों की काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो रेडमी का हो चाहे रियलमी का हो, बट यहाँ पर जो है रियलमी वाले फोन्स के साथ आपको ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है, जबकि इसके साथ आपको ब्लैक कलर का केस मिलता है, बट काफ़ी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दोनों फोन्स की, प्रीमियम क्वालिटी के केस जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें दोनों ही फोन्स में से डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी आपको ओवरऑल देखा जाए तो सेम ही मिलने वाली है। दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस आपको डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले देख रहे हो भाई कर्व डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। तो कर्व डिस्प्ले का एक अपना अलग ही मजा है, यहाँ पर जब आप फोन को यूज़ करते हो चलाते हो तो यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा कर्व डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। और डिस्प्ले के अंदर आपको मिलता है भाई 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दोनों ही फोन्स के अंदर, जो फोन को काफ़ी स्मूथ बना देता है।
लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus 5 मेरा यहाँ पर काफ़ी जो है फेवरेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है IP68 जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भाई फ़ोन में अपनी इस वाले फ़ोन्स को आप पानी में डुबकी लगवा सकते हो, कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं होने वाला है। और दोनों ही फ़ोन्स में से आप जो फ्रंट जो कैमरा देख रहे हो ना, ये जो दोनों फ़ोन्स में से आप फ्रंट कैमरा देख रहे हो, ये कैमरा मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का, जो कि पंचोल में कैमरा मिलता है। तो डिफरेंस वगैरह आप देख सकते हो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सेम कैमरा रहने वाला है। बट जो फोटोज़ की क्वालिटी वगैरह, वो मैंने यहाँ पर कुछ फोटो लिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है उनमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले भी आपको मिल रही है, कर्व डिस्प्ले आपको मिल रही है, साथ ही साथ जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन ये Redmi Note 13 Pro Plus जो 5G वाला फोन है, इसके अंदर आपको 1.5 जो है कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, तो मुझे काफ़ी डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर है इस वाले यानी कि Realme 12 Pro वाले फ़ोन के मुकाबले में। लेकिन अब बात कर लेते हैं, जब इनमें बैटरी सेम है, चार्जर थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह रहने वाला है, डिस्प्ले वगैरह सेम है, यह दोनों ही फोन्स में से 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग के लिए हमें कौन सा फ़ोन जो है परचेज़ करना चाहिए? क्योंकि देखो प्राइस में डिफरेंस है, तो गेमिंग के लिए भी भाई थोड़ा बहुत चीज़ें डिफरेंस आपको मिलने वाली है। तो जो हमारे पास ये रियलमी का 12 Pro 5G वाला फ़ोन है, इसके अंदर अगर प्रोसेसर की बात करी जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है, 6th Gen 1 का प्रोसेसर, 6th Gen 1 का आपको प्रोसेसर इसमें मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, जो कि आपको 23,000 रुपये मिलने वाला है। 5 mAh की बैटरी है, 8GB 128GB 16 का फ्रंट, 50 का बैक में, 8+32 का, ठीक है। तो बैक में इसमें आपको जो कैमरे मिलने हैं 50, 32+8 का, ठीक है, फ्रंट में 16 का। लेकिन एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको जो है 14 देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर बात करी जाए तो Redmi Note 13 Pro Plus वाले फ़ोन में इसमें आपको जो है प्रोसेसर भाई काफ़ी तकड़ा मिल जाता है, लेटेस्ट प्रोसेसर रहने वाला है, MediaTek का Dimensity का आपको 7200 का अल्ट्रा का प्रोसेसर मिलने वाला है। इसमें मैंने दोनों ही फोन्स में से गेमिंग टेस्ट कर रखे हैं, PUBG का जाकर के आप देख लेना कि कौन से में ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर, आपको इसका जो वेरिएंट है वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, 8GB 256GB में आपको मिल रहा है। ऑल स्पेसिफिकेशंस में जाओगे तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और मुझे काफ़ी बढ़िया फोन्स में लगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कैमरा क्वालिटी आपको दोनों ही फोन्स में से कौन से फ़ोन की ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने कुछ यहाँ पर फोटो वगैरह शूट करे दोनों ही फोन्स में से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो फोटो लिए हैं, तो गैलरी को ओपन करता हूँ मैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह ये मैंने शूट करे, तो ये देख सकते हो आप दोनों ही फोन्स में से डिफरेंस आपको भाई साफ साफ दिख जाएगा। ब्राइटनेस को मैं फुल कर देता हूँ एक बार से, ये फोटो जो है दोनों ही फोन्स के, ये है हमारे पास Redmi का, और Redmi वाले फोन्स में और Realme वाले फोन्स में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये सेल्फी कैमरा था जो कि आपको 16 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन्स में से आपको देखने को मिल रहा है, बट जो क्वालिटी है ना वो Redmi वाले फोन्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो कैमरा क्वालिटी के मामले में मुझे ये वाला फ़ोन तो काफ़ी बेस्ट लगा, जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, चेहरे पे आप नज़र डालोगे जूम करने के बाद भी जो पिक्सल्स है ना वो Redmi के मुझे काफ़ी बेस्ट लगे। कैमरा क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपको इम्प्रूव मिल रही है, यानी कि आप पैसा एक्स्ट्रा भी खर्च कर रहे हो तो उसमें काम की चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपको IP68 मिल रहा है जबकि इस वाले फोन्स में है नहीं। तो अगर आप जो थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी खर्च कर रहे हो तो उसमें चीज़ें आपको जो है बेटर मिल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है सेल्फी कैमरा मैंने यूज़ करा जो कि पोर्ट्रेट मोड में था, यहाँ पर भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो फोटो है वो काफ़ी नेचुरल सी लगती है देखने में जब आप जो है पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर यूज़ करते हो, ये चीज़ें देख ही सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद मैंने बैक कैमरा यूज़ करा बिना किसी पोर्ट्रेट मोड के, यहाँ पर चीज़ें डिफरेंस वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। दोनों ही फोन्स में से कुछ पोजीशन में फोटो जो है वो अलग आते हैं, डिफरेंस वगैरह कुछ में आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही फोन्स में से डिफरेंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं किसी में, तो यहाँ पर चीज़ें तो साफनेस तो दोनों ही फोन्स में से बेटर है, तो ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं है। ये इसका मेन कैमरा था, ठीक है, बैक कैमरा। पोर्ट्रेट मोड में मैंने यहाँ पर फोटो शूट करा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पोर्ट्रेट मोड में जो है चीज़ें मुझे थोड़ी सी रियलमी वाले में ज़्यादा बेटर लगी, बट जो एंगल था वो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में मुझे लगता कि सही नहीं था, तो बट क्वालिटी वगैरह दोनों ही फोन्स में से चीज़ें जो है इम्प्रूव है। इसके बाद जो है आपको क्या है कि देखो रियलमी वाले फोन्स में 2x का ऑप्शन मिलता है, जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो शूट करते हो तो 2x पे जो फोटो शूट कर सकते हो, जिसमें जो फोटो है वो तो और भी अच्छी बन जाती है, क्रिएटिविटी जो फोटो में आती है वो काफ़ी नेचुरल लगती है देखने में, और ब्लर्स वगैरह काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये ऑप्शन मुझे लगा कि जूम वाला जो ऑप्शन है वो रियलमी वाले में थोड़ा सा बेटर है। इसके बाद कलर्स की अगर बात करी जाए तो कलर्स वगैरह में यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, तो ये दोनों ही फोन से जो कलर्स के फोटो मैंने यहाँ पर खींचे, बट दोनों ही फोन्स में तो भाई काफ़ी गजब की फोटोज़ हैं ये पोर्ट्रेट मोड में निकल के आई हैं, जो कि मुझे यहाँ पर आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, और ये आपको भी काफ़ी बढ़िया जो फोटो देखने में लग रही होंगी कलर्स वगैरह। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है कलर्स वगैरह में डिफरेंस वगैरह आपको देखने में लग सकता है, क्योंकि एंगल था, लाइट पड़ रही थी, लेकिन दोनों ही फोन्स में से काफ़ी बेस्ट था। इसके बाद मैंने नाइट मोड का फोटो खींचा, और नाइट मोड में चीज़ें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो, डिटेल्स वगैरह क्वालिटी वगैरह काफ़ी क्लियर आपको दोनों ही फोन्स में से देखने को मिल जाएंगे। कैमरा क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो थोड़ी सी इंप्रूव है चीज़ें, जैसा प्राइस है उस हिसाब से जो है आपको Redmi वाले में चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि, तो इंप्रूव है।
तो वहीं पर बात यह है कि अगर देखो आपके पास बजट 20,000 रुपये के अराउंड में है, 20-21-22 का है, तो फिर आपको Realme 12 Pro आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन रहा है। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खेलनी है, रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए और फोन के अंदर फीचर्स भी काफ़ी आपको भर भर के चाहिए, कैमरा क्वालिटी बढ़े चाहिए, तो Redmi का Note 13 Pro Plus आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो इसको आप एक बार जो है ट्राई करके देख सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।